दुनिया की रहस्यमय जगहें, कहीं जाने पर है रोक तो कहीं आती है चीखने की आवाजें। दुनिया में कई रहस्यमय और अनोखी जगह हैं। इन जगहों के बारे में जानकर यकीन करना मुश्किल होता है। वैज्ञानिक भी कई रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठा पाए हैं। कई रहस्यमय जगहों पर अब भी जाने पर रोक है। इन जगहों में कई एलियंस, भूतों और दूसरी वजहों से रहस्यमय है। आज हम आपको कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, उलुरु ऑस्ट्रेलिया। उलुरु यानी कि एयर्स रॉक ऑस्ट्रेलिया आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये एक बलुआ पत्थर की चट्टान है जो कछुए के ऊपरी खोल की तरह नजर आती है। बताया जाता है कि यहाँ पर आदिवासी रहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस पहाड़ी का दिन में कई बार रंग बदलता रहता है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी पहाड़ है जिसका रंग बदलता रहता है। माना जाता है कि यह पहाड़ी 50 साल पुरानी है। ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। नंबर टू, कलावंती दुर्ग महाराष्ट्र। कलावंती दुर्ग को रहस्यमय माना जाता है। प्रदेश के माथेरान और पनवेल के बीच यह दुर्ग स्थित है जो बेहद डरावना है। इस दुर्ग की कई कहानियां हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले में नकारात्मकता का वास है जिससे लोग यहां पर खींचे चले जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। सबसे डरावनी वाली बात ये है कि इस खंडहर में आधी रात के बाद चीखने की आवाजें सुनाई देती है। नंबर थ्री, धनुषकोटी। भगवान राम ने रावण का वध करने और लंका पर विजय के बाद राज्य को विभीषण को सौंप दिया था। रावण के छोटे भाई और लंका पर राज कर रहे विभीषण ने भगवान राम से निवेदन किया कि लंका तक आने वाले राम सेतु को तोड़ दीजिए। इसके बाद भगवान राम ने अपनी धनुष से एक छोर से सेतु को तोड़ दिया। इसके बाद से यह स्थान धनुषकोटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह रहस्यमय शहर तमिलनाडु के पूर्व तट पर स्थित है। भगवान राम का धनुषकोटी से गहरा नाता है तो वही यहाँ पर प्रेत आत्माओं के महसूस किए जाने का दावा भी किया गया है। इसके पीछे की वजह साल 1946 में यहाँ पर आए भीषण चक्रवात को माना जाता है। तूफान के बाद यहाँ पर आने वाले लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ असामान्य है। लोगों के इन अनुभवों के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस छोटे शहर को भूतिया शहर की सूची में डाल दिया और इसे रहने के लिए अयोग्य करार दे दिया। सरकार ने चेतावनी दी थी कि यहाँ पर दिन रहने के बाद कोई भी नहीं जाना चाहिए। नंबर फोर, दनाकिल रेगिस्तान इथोपिया। इथोपिया में स्थित दनाकिल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नरक की आग का एहसास कराती है। दुनिया में कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता रहता है। कहीं सर्दी होती है तो कहीं गर्मी लगती है, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। कभी कभी तो ये पारा 145 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। यहाँ पड़ने वाली इस गर्मी के कारण इस जगह को पृथ्वी का सबसे भयानक जगह माना जाता है। इस गर्मी के कारण यहाँ के तालाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस जगह के 42,000 मील से अधिक क्षेत्र में रेगिस्तान फैला है। ऐसे में यहाँ रह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। नंबर फाइव, ब्लड फॉल। यह जगह अंटार्कटिका में स्थित है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है जिसके कारण इस फॉल से गिरने वाले पानी का रंग खून की तरह लाल होता है। लेकिन वैज्ञानिक अपनी बात पर ही 100% कंफर्म नहीं है और जो इंसान पहली बार इसे देख लेता है उसके पसीने छूट जाते हैं। नंबर सिक्स, जैकब वेल। जैकब वेल काफी रहस्यमय जगह है। यहाँ पर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने या मरने के बाद भी यहाँ पर लोग घूमने और नहाने जाते हैं। इसमें नहाते समय ही पता नहीं लोग कभी कभी गायब हो जाते हैं। इसमें लोग गायब क्यों और कैसे और कब होता है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। यह जगह विम्बली अमेरिका में स्थित है। नंबर सेवन, कर्नाटक का मत्तूर विलेज। कर्नाटक के मत्तूर गांव के शिमोगा जिले के आम दुकानदार से लेकर मजदूर तक संस्कृत में बात करते और समझते हैं। एक और देश की 1% से कम आबादी संस्कृत बोलती है, वही दूसरी ओर गांव के सभी लोगों का संस्कृत बोलने के अलावा हर घर में एक इंजीनियर होना भी दुनिया के लिए एक कौतूहल का विषय है। मट्टूर गांव को संस्कृत गांव के नाम से भी जाना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो संस्कृत सीखने से
गणित और तर्कशास्त्र का ज्ञान बढ़ता है और दोनों विषय बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। नंबर 8, हिमाचल का मालना गांव। हिमाचल प्रदेश में बसा मालना ऐसा ही एक रहस्यमय गांव है। इस गांव के लोग ऐसे रहस्यमय भाषा में बात करते हैं जो वहां के लोगों के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती है। इस गांव के लोग खुद को यूनानी सम्राट सिकंदर के सैनिक का वंशज मानते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो कुछ सैनिक यहीं बस गए थे। यहाँ लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं जो मलाना के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती है। कई लोग इस भाषा को समझने के लिए आए लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अभी भी वैज्ञानिकों के लिए ये एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जैसे वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।